29 अप्रैल वाला एस्ट्रॉइड एक बार फिर से हमारी धरती की तरफ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि सोशल मीडिया पर 29 अप्रैल 2020 के दिन को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी। हालांकि 29 अप्रैल के दिन ये सभी अफवाहें झूठी साबित हुई और ये एस्ट्रॉइड हमारी धरती से नहीं टकराया, बल्कि ये एस्ट्रॉइड हमारी धरती के पास से गुजर गया। लेकिन बहुत जल्द ही ये एस्ट्रॉइड दोबारा हमारी धरती की तरफ आने वाला है और इस बार अगर इसकी गति में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो हो सकता है कि ये हमारी धरती से टकरा जाए। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही वीडियो के नीचे एक प्यारी सी और अच्छी सी कमेंट करना बिल्कुल न भूले। अगर आपकी कमेंट अच्छी रही तो आपका नाम हमारी आने वाली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूले। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था और अब भी मैंने कहा है कि कमेंट करने वाले का नाम लिया जाएगा, तो लीजिए पे से हमारी पिछली वीडियो में कमेंट करने वाले लोगों के नाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने हमारे वीडियो के नीचे कमेंट की थी और इनका नाम भी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आप भी इस तरह से कमेंट करके अपना नाम हमारी आने वाली वीडियो में ला सकते हो, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अप्रैल 2020 के दिन एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती के करीब से गुजर गया। लेकिन क्या आप जानते हो कि यह एस्ट्रॉइड आखिर आया कहां से था? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एस्ट्रॉइड मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया था और ये एक बार फिर से हमारी धरती की तरफ दोबारा आएगा। आपको बता दूं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में कई सारे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, जिनमें कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। और जब ये एस्ट्रॉइड सूर्य की परिक्रमा करना स्टार्ट करते हैं तो इनकी परिक्रमा के दौरान यदि कोई ग्रह इनके बीच में आ जाता है तो या तो ये एस्ट्रॉइड उस ग्रह से टकरा जाते हैं या फिर उस ग्रह के नजदीक से होकर गुजर जाते हैं। ऐसे ही 29 अप्रैल के दिन हमारी धरती के नजदीक से यह एस्ट्रॉइड गुजर गया, लेकिन ये एक बार फिर से हमारी धरती की तरफ आने वाला है और अगली बार यह साल 2079 में हमारी धरती के करीब से गुजरने वाला है। इस दौरान अगर इसकी गति में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हुआ तो हो सकता है कि यह हमारी धरती से टकरा जाए, परंतु अगली बार भी इसके धरती से टकराने के चांसेस बहुत कम है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार की तरह अगली बार भी ये हमारी धरती के पास से गुजर जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।